अबरार अहमद एक ऐसे स्पिनर जिनका नाम इस वक्त दुनिया में सारी ही क्रिकेट फ्रेटर्निटी में फेमस होता चला जा रहा है, एंड व्हाई नॉट, कितना ड्रीम उनका स्टार्ट था ऑन हिज डेब्यू मुल्तान में। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टीरियस स्पिनर अबरार अहमद। अबरार, पिंडी का टेस्ट आप नहीं खेले, आपने इंग्लैंड को लाइव आपके सामने खेलते हुए देखा, उससे तैयारी का मौका कुछ मिला, कुछ प्लान्स आपने बनाए कि जब आप मुल्तान में इतना शानदार स्टार्ट किया? ज़ाहरी सी बात है, जब अगर इनकी एक साल से अगर आप क्रिकेट देखें ना, इंग्लैंड की क्रिकेट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। फिर पिछला जो मैच था हमारा पिंडी का, तो उसमें जब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। तो प्लान मेरे यही था कि अगर मुझे मौका मिलता है मुल्तान के, तो मैं पिच को रीड करूँगा तो उसके मुताबिक फिर बॉल करूँगा, और वही हुआ, पिच को रीड किया और उसके मुताबिक बॉलिंग की, तो कामयाबी मिली। कामयाबी कुछ बहुत ही शानदार अंदाज में मिली, जितना अच्छा आपका डेब्यू स्टार्ट हुआ, 7 विकेटें आपने पहली इनिंग्स में ली, 4 आपने दूसरी इनिंग्स में ली, उसके बाद आपने अपने बल्ले से भी आके बहुत बेहतरीन रन किए, जैक क्रॉली को रन आउट भी कर दिया, तो पूरा मैच जो है वो आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सबसे अच्छी विकेट आप बता चुके हैं ऑलरेडी, बट वापस एक दफ़ा सुना दें कि सबसे अच्छी विकेट आपकी कौन सी थी उन 11 विकेटों में से? सबसे पहले तो इन विकेटों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। मुझे जो विकेट पसंद आई है ना, वो बेन स्टोक की आई है, और कुछ प्लेयर यही बोल रहे थे कि हमें क्रॉली की विकेट ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जिस तरह उसका गैप में बना, और पहला ही ओवर था जिस पे आपने, तो हमें लग रहा नहीं था, जिस तरह आप पहला ओवर कर रहे थे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर देखा जाए पिछले मैच में बंदा देख देख के ना, तो वो प्रेशर एक ख़त्म ही हो जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, इंटरनेशनल लेवल का डेब्यू का थोड़ा प्रेशर होता है, मगर आप बैठ बैठ के देखते हैं ना, तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। अब PSL से अगर आपकी कहानी आगे लें, अब आपकी कहानी सुन के ये लगता है कि जैसे हर चीज़ में माशाल्लाह आपका स्टार्ट बहुत ही अच्छा रहा है। घर वालों से अक्सर लड़ाई करना या बहस करना हमने सुना है कि नहीं पढ़ाई कर लो, जैसे आपने कहा कि रिलीजियस स्टडीज़ की तरफ चले जाओ, तो अम्मी आपकी साइड पर ही थी, बाकी बहन भाई 8 बहन भाई हो आप लोग, आप सबसे छोटे हो, तो बहन भाइयों का भी कोई रोल होता था? नहीं, जैसे मेरे बड़े भाई है ना, उनको यानी मेरे टैलेंट का पता होता था, क्योंकि हमारे ग्राउंड है ना, तो मैच देखने के लिए ना वो सारे आते थे। तो मेरी जैसे बैटिंग में, अगर टेप बॉल में बोलो, मेरी बैटिंग स्पीड अच्छी थी, यानी टेप बॉल में मैं बैटिंग करता था, 2 ओवर तो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे 5 ओवर में से, तो वो लोग मेरा मैच देखने के, रमज़ान टूर्नामेंट देखने जाते थे, सब मेरे मैच देखते थे। भाई लोग तो बहुत लाइक करते थे, मगर अब्बा नहीं करता था पसंद इन चीज़ों को, क्रिकेट को। फिर यानी जब यानी अब्बा क्रिकेट देखता था, मगर वही सुना हुआ था ना कि ये क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल काम है, ये वो है। अब तो खुश हैं? नहीं, अब तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, PSL पे वापस आ जाते हैं। 2017 में आपने PSL के लिए आपने खेला, फिर उसके 2 ही गेम्स आपने खेले, एक आपकी स्पेल मुझे याद है पेशावर जलमी के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल थी, आउट नहीं हुए थे, बट उसके बाद आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ। मैंने जो प्रैक्टिस मैच खेले थे ना, मैंने उसमें मैंने मेरी बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, गेल, रवि बुपारा, 3-4 मैंने आउट किए थे प्रैक्टिस मैच में, तो मुझे उस टाइम ही थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया था बैक में। तो मेरी बात भी हुई कि यार मुझे पेन हो रहा है, उन्होंने बोला ये वैसी तुम्हें पेन हो रहा होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर वो मेरे साथ चले गए सिटी स्कैन कराने भी, और फिर सिटी स्कैन किया, और उसकी रात मैच था, तो मैं मैच भी खेला हूँ सीटी स्कैन के बाद भी मैच खेला। हाँ, तो उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर आया, तो फिर मेरी क्या हालत होगी, तो उस वजह से 1.5 साल लगा मुझे। आपके फेवरेट प्लेयर जिनको आपने आइडलाइज करते हैं, सुनील नारायण हैं? हाँ, सुनील नारायण को मैंने बहुत ज़्यादा वॉच किया है। तो क्या वो जिस किस्म की बॉलिंग करते हैं, उस वजह से आपको, जो आप मिस्ट्री बॉलिंग करते हो, कैरम बॉल करते हो, गुगली करते हो, लेग स्पिन करते हो, और ग्रिप में बहुत सटल वेरिएशन हैं आपकी, ज़्यादा नहीं है, तो उनकी बॉलिंग को देख देख के आपने अपनी बॉलिंग आर्ट में कितना डिफरेंस लाया या बेहतरी लाया? मुझे शायद अजहर भाई थे, अजहर महमूद भाई थे, कौन थे, उन्होंने, उनमें से किसी एक ने मुझे नारायण से मिलवाया था, तो जब मैंने नारायण को भी देखा ना, वो भी फिंगर से लेग स्पिन करते हैं, मगर वो ऑफ स्पिन जब करते हैं ना, तो मुझे थोड़े जर्क टाइप के लगे, तो वो ऑफ स्पिन कर रहे थे मगर लेग स्पिन भी कर रहे थे ना साथ में, वही फिंगर से जिस तरह मैं करता हूँ उसकी। मुझे जो अच्छी चीज़ लगी ना, उनके जो ऑफ स्पिन था उसमें बाउंस भी था और ब्रेक भी था, मुझे तो ऑफ स्पिन दिया, मैंने गुगली करके देखा उनको, तो उन्होंने बोला तुमने जो ये अंदर वाला बॉल किया, तो ये मुझे समझ नहीं आया। फिर मैं उनसे जो सीखना चाह रहा था ना, मैंने बोला जो ये ऑफ स्पिन कर रहे ना, मैं ये सीख लूँ, तो मैंने अभी ऑफ स्पिन पर बहुत काम किया, बट मैं 4 डे वगैरह में नहीं करूँगा, इंशाल्लाह आगे T20 वगैरह में आपको दिखेगी।
एक दो बोले और दिखेगी मेरी इंशाल्लाह, एक दो बोले और देखेंगे, ऑलरेडी लोगों को समझ नहीं आ रही तो और देखेंगी। अगला सवाल यही कि इसी से अगर कंटिन्यू करते हैं कि टी ट्वेंटी क्रिकेट में मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी कि आपने रिसेंटली अपना पेस बढ़ाया है और उसकी रीज़न अभी आप खुद ही बता देना, बट पेस बढ़ाने के साथ साथ कितना ज़रूरी है क्योंकि बैटिंग जितनी ज़्यादा चेंज हो रही है और बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, मतलब रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप, स्वीप डाउन द विकेट, मतलब 360 प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं, तो आप किन चीज़ों पर, आपको क्यों लगता है कि पेस आपने अपनी बेहतर की और अपनी बॉलिंग में और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको चेंज करना कि टी ट्वेंटी क्रिकेट और मॉडर्न डे क्रिकेट से आप वाबस्ता रहो? अगर आप टी ट्वेंटी क्रिकेट खेलेंगे ना, उसमें पेस आपने ज़्यादा ही रखना होता है आप, यानी हाँ समटाइम ऐसे होता है जैसे आपने पिच रीड कर दी, उसमें आप पेस को चेंज कर सकते हो, स्लो हल्का ये, बाकी आपने वाइड बॉल में जितना अच्छा पेस होगा, आप देख ले राशिद खान को, देख ले मुजीब को, देख ले नारायण को, देख ले, क्योंकि मैं इनके हर बॉल का फिर पेस भी देख रहा होता हूँ, मगर वेरिएशन फिर भी मैं बोलता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं हसारंगा को देख रहा हूँ अभी, वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, वो भी स्लो बॉले कर रहा होता है टी ट्वेंटी में। पेस वाली बॉल आप कर सकते हो मगर आप वेरिएशन के साथ जगह पर करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और उस पर ही काम कर रहा हूँ मैं। थोड़ी सी और क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स बॉलर्स ऐसे होते हैं जैसे हफीज़ भाई होते थे, थोड़ा सा अपने बॉलिंग में रुक के थोड़ा सा वेट करते थे, सकलेन भाई थोड़ा सा पॉज करते थे बॉल डिलीवर करने से पहले ताकि अगर बैट्समैन कोई मूवमेंट कर रहा है, आपका रनअप जो है वो ज़्यादा स्मूद है, आप बीच में रुकते नहीं, तो आप कौन सी ऐसे पॉइंट पर डिसाइड करते हो कि मैंने कौन सी बॉल डालनी, और अगर आप प्लेयर की मूवमेंट देखते हो तो आप उस वक्त क्या सोचते हो, किस तरह से चेंज करते हो ताकि उसको आप डिसीव कर सको? ये आपको भी पता है, अगर जब बंदा खेल रहा होता है, सामने वाले को देख रहा होता है कि यार ये किस मेंटेलिटी से क्रिकेट खेल रहा है, तो फिर उसके मुताबिक ही, यानी मैं मुझे ऐसे लगता है मैं उसके मुताबिक ही बॉल डाल रहा होता हूँ। ये बताओ कि टीम में नए नए आए हो, बहुत सारे पुराने भी प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, कुछ का नेचर इस किस्म का है कि हंसी मजाक करना, एक रोटी गैंग भी आधा मौजूद है आधा मौजूद नहीं है, किन के साथ दोस्ती ज़्यादा है और किस किस अपने नेचर के बारे में बताओ, शरारती टाइप हो के शरारत तुम पे ज़्यादा हो जाती है, किन से बात मतलब किन के साथ ज़्यादा हैंग आउट करते हो? देखिए सैफी भाई के साथ ना मेरे सिन से ताल्लुक़ थोड़े अच्छे हैं ना, वो आपको पता है थोड़े शुगली है, मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो मेरा यानी सैफी भाई के साथ थोड़े मजाक चलता रहता है, गपशप चलती रहती है, तो मेरा उनके साथ थोड़ा लगाव ज़्यादा है। बाकी रोटी गैंग में है शान भाई है, मैं हूँ इमाम। एंट्री मिल गई रोटी गैंग में? जी जी ऑलरेडी मिल गई जी। क्या बात है, मैं हूँ इमाम है, सैफी भाई है, शान भाई है, अजहर भाई है और दो तीन और भी है। अच्छा अबरार, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमसे बात की, आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है, खासतौर पर जिसने आप स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद है और इतना बेहतरीन स्टार्ट आपने किया, ऑनवर्ड्स अपने लिए क्या प्लान देख रहे हो, अपने आप को कोशिश करोगे कि थ्री फॉर्मेट प्लेयर बनाओ, किसी एक फॉर्मेट से ज़्यादा लगाओगे, अपनी स्टोरी अगर खुद लिखने बैठो तो किस तरह लिखोगे उसको? मैं किस तरह लिखूँ? मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने, बहुत मुश्किल सवाल है। आगे अपने आप को जैसे कैसे अगर देखा जाए ना, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूँ, 2020 कोरोना का टाइम था तो मैं वाइड बॉल में ही मेरा नाम था, तो मैं दो मैच खेला तो गुलाम भाई ने पैड्स किए, खुद पैड्स किए एनसीए में, मुझे रेड बॉल दी हाथ में, मुझे बोला बॉलिंग करो, हमारे गुलाम अली जो कोच थे, तो मैंने तकरीबन कोई 26-27 बॉले की और बॉल भी असलीन के थे, तो वो बहुत ज़्यादा ही घूम रहा था मेरा कोकबूरा, थोड़ा आपको पता मुश्किल होता है, तो उन्होंने मुझे बोला यार अबरार कि अगर कोई अनफिट होता है या कुछ होता है ना मैं तुम्हें बुलाऊँगा, मेरा नाम ही नहीं था थ्री डे में भी, तो तौसीफ भाई के बेटे थे उनका वलीद का ना कंधा उतर गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बट मैं तो तीन दिन चार दिन से निहारी वगैरह खा रहा था, कोई प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने, तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने मुझे बोला कि भाई कल मैच है आपने खेलना है, अभी ये आपका टेस्ट हो रहा है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो तुम सुबह मैच, मैंने बोला मैं मैच नहीं खेलना क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की है एक हफ्ते से, तो बोले कोई बात नहीं है, तो वो यही हुआ कि हम मैंने कुछ किया नहीं था और कल सुबह मैच खेलना पड़ा, आप 15-16 में ना आओ फिर आप आओ टीम में और मैच खेलो, तो वो मैच मेरे लिए अच्छा रहा क्योंकि मैंने उसमें 14 आउट कर दिए थे कि 13 के 14, तो वो वहाँ से फिर जब मैंने देखा बैठा तो मुझे लगता है कि वाइड बॉल और रेड बॉल में भी मैं अच्छा कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें तो स्पेशलिस्टी वाइड बॉल की दी हुई है ना कि आप लोग वाइड बॉल के बॉलर हो, तो मैं बोलता हूँ बॉलर हर
फॉर्मेट का बॉलर होता है, अगर वो आपकी वाली बात के सोचे थोड़े, इस बात को समझे कि जब मैं वाइड बॉल में आउट कर सकता हूँ तो रेड बॉल में क्यों नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमसे बात की, एंड वी ऑल्सो होप यू एंजॉयड द चैट। थैंक यू।